अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? राम साय मेरा नाम है। और क्या नाम है? बोलो। राम साय बोलो। और बस्ती से आया हूँ मैं, और काफ़ी मैंने दवा कराया, हर जगह दिखाया, दिल्ली तक भी दिखाया, अहमदाबाद में दिखाया, राजस्थान हॉस्पिटल है जिसमें एक बार आदमी जाने के लिए सोचता है वहाँ तक का दिखाया, लेकिन मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया। बाबा सिर है, लीवर में प्रॉब्लम है, और मेरे को फिर गैस भी बहुत ज़्यादा बनाता है। मैंने कम से कम कुछ नहीं तो लाखों रुपये का खर्च करे, लेकिन कोई मेरा रिजल्ट कहीं से भी नहीं आया। जब मैंने अब्दुल्ला भाई का पठान का वीडियो देखा, फिर मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ का मैंने पूरा लोकेशन लिया। लोकेशन लेने के बाद फिर मैं यहाँ आया, एक महीने का दवा लेके गया हूँ, मेरे को 80% फ़ायदा है। फिर वापस मैंने दवा लेने आया हूँ। क्या क्या दिक्कत, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को महसी था और लीवर में प्रॉब्लम था, खाना खाने के बाद दर्द होता था और गैस भी बहुत ज़्यादा बनाता था। लंबे लंबे मस्से थे इनके, मस्से बिल्कुल ठीक हो गए ना? बताओ। हाँ, मेरा मस्से ठीक हो गया। मस्से गायब गायब हो गया, खत्म। हाँ, ये अल्लाह का करम है। 80% पूरा 80% फायदा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलके, मुझे भी अंदर बताया उन्होंने। वीडियो कोई कोई आदमी बनाता ना, तो हर आदमी मना कर देता, तो जो बनाता उसके लिए बहुत ज़्यादा स्वागत है और शुक्रिया अदा करता हूँ उस आदमी का जो वीडियो बनाता है। बवासीर के मस्से हों या खूनी बवासीर हो, सब सही हो रहा है इंशाल्लाह। लग रहा है मैं से फिशर हो, जिसे भगंदर बोलते हैं तुम लोग, यानी कि गुदा द्वार से 1 इंच आधा इंच की दूरी पे गांठ आ जाना, उसका इलाज ऑपरेशन भी ना है, क्योंकि ऑपरेशन करवा करवा के निकलवा दे रहते हैं, फिर आती रहती है। यहाँ इंशाल्लाह लग रहा है मैं से परमानेंट इलाज है। और यहाँ पर दवाई मिलती है धात, नाइट फेल, चिपचिपानी, सेक्स पावर भी रगड़ा, तनाव, टाइमिंग, या किसी को तगड़ा होना, पतला होना, चेहरे पे दाने, पेट में खराबी, लिकोरिया, बवासीर, बालों का झड़ना, हाथ पैरों का कांपना, दिल होलना, दिल घबराना, चक्कर आना, सिर में दर्द, या फिर बंद कर, या फिर किसी को भी, जैसे औरत को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम पे ना हो रहे, गांठ है, या फिर सूजन है, नले बंद हैं, या फिर मिसकरेज हो रहा है उसका, बार बार 2-3 महीने में गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, समझिए इन सब चीज़ों की दवाइयाँ मिलती हैं अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तुम देख रहे हो इस चीज़ को, ये कौन है यार, कौन है? और यहाँ पर जैसे किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है, कैंसर वगैरह की दवाई नहीं है, शुगर, जो शुगर फ्री दवाइयाँ हैं वो बहुत सारी मेरे पास हैं, जैसे कि मर्दाना ताकत की शुगर फ्री दवाई है, पतले होने की शुगर फ्री दवाई है, बाकी दवाइयाँ मेरे पास शुगर फ्री नहीं है। तो कभी भी कोई दवाई लेने आए, जैसे कोई पेट की प्रॉब्लम लेके आएगा, कोई दर्द की प्रॉब्लम लेके आएगा, तो शुगर है तो मैं दवाई नहीं दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास, आने वाले वक्त में बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आकर वक्त ख़राब ना करें, तुम्हारा भी वक्त कीमती हो मेरा भी। एड्रेस है कुंदरकी, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, कुंदरकी में JLM इंटर कॉलेज के पास, कभी भी आ सकते हो लेने दवाई। और रही फ्रॉड की बात, तो फ्रॉड हमेशा तुम्हें एड्रेस सही बताएगा बिल्कुल, कि वहाँ जाना कुंदरकी में पेट्रोल पंप और JLM इंटर कॉलेज के पास, ताकि उस पर भरोसा बने तुम्हारा। इन नंबरों से अलावा मेरा कोई भी नंबर ना आए, इन्हें नंबर हमेशा व्यस्त आएंगे, बिजी आएंगे, चाहे जितने बिजी आए, लेकिन यही नंबर है सिर्फ मेरे, और कोई भी नहीं। लग जाए तो एकदम से काम की बात किया करो, ओनली काम, ये नहीं फालतू। तुम कहते हो कि मतलब इतना बिजी हैं, इतनी जल्दी बात करते हैं, भाई तो इतनी कॉलें आ रही हैं उसके पास कि हर सेकंड 100 कॉलें हैं हर नंबर पे, काटते रहता है, वीडियो कॉल भी होती है तो काटते रहता है, लगातार कॉलें आती रहती हैं, वीडियो कॉल तक नहीं होती है, इतना बिजी, भीड़ ही बहुत है तो क्या करें। यहाँ भी देखो माशाल्लाह कितनी भीड़ है, और यहाँ पर आओ तो काम की बात करो, ये ना यहाँ से आया हूँ वहाँ से, कुछ मत बताओ यार, सब पता बहुत दूर से है। नहीं देख सकते? अरे यार देख नहीं तो बैठे हैं कि देख सकते हो, ये बातें हैं। देखो आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, मर्दाना ताकत वाले जितने भी प्रॉब्लम वाले मरीज हैं ना, सबके दिमाग कमज़ोर हैं, ज़्यादातर के चने के दाने के बराबर दिमाग होता है इन लोगों का, इनका दिमाग ही सही करता हूँ बस मैं, और खान पान बताता हूँ सही हो जाते हैं अल्लाह। जिसका दिमाग कमज़ोर है वो कभी सक्सेस नहीं होगा इस चीज़ में,
समझ गया, उसकी औरत भागेगी या फिर उससे इज्जत ना करेगी, नखरे करेगी, परेशान करेगी, बस जो भी है, क्योंकि वो खुद भी परेशान है ना उससे। इसलिए औरत को वही संतुष्ट कर पाता है जो दिमाग का तेज होता है, सही होता है। इसलिए कहता हूँ मेरी वीडियो देखो ध्यान से, बिल्कुल काम की भी क्या है ये चीज़, लेकिन तुम नहीं मानोगे। और अकलमंद बहुत बनेगा वो अपने आप को, और गुस्सा बहुत होगा उसके अंदर, और जान बिल्कुल ना होगी। एक हाथ से उठाओ पतना काट गया, एक लपट मारो पतना वो उठेगा ही ना, लेकिन गुस्सा बहुत होगा उसका। सब कुछ तो खराब कर चुका होता है वो, सब जवानी लड़के आ रहा है मेरे पास, तबाह हुए हुए बिल्कुल ख़त्म उनकी कहानी, किसी काम के बचे नहीं हैं। और रही विदेशियों की बात, तो विदेशी जो 95% बर्बाद हो जाते हैं, जाके विदेश मत भेजा करो, विदेशी से अपनी लड़की की शादी मत किया करो, ना बेटी की, ना लड़की की, ना बहन की, किसी की शादी मत करो, सब नुकसानदायक। भैया एक रुपया कमे चाहे ही हो, बॉडी हो ना हो और पैसा हो ना हो, समझ गए, लेकिन डंडा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म। औरत की भी ज़िंदगी तबाह कर देता है, खुद तो है ही तबाह। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ बताओ, एक भी गलत बात ना होती है मेरी, औरतों तक को पसंद आती है मेरी बात है बहुत ज़्यादा, वो बड़े ध्यान से सुनती हैं। कई कई बार देखते हैं एक एक वीडियो मेरी लोग, आज की कल्चर जो है ना उसको समझो और इस चीज़ को समझो, नहीं तो हर आदमी बच्चे ना हो रहे, अपंग बच्चे हो रहे हैं, ये नहीं है, स्पर्म ना है, साला 70% नहीं 50% तो हो ही गए ऐसे आदमी जिनके बच्चे ना हो रहे। क्यों ना हो रहे, कभी दिमाग लगाया? कपड़े सही से पहना करो और ढंग से बैठा करो, ऊपर से चाहे जितने टाइट हो नीचे से बहुत ढीले पहनता हूँ, आज़ाद रहना चाहिए समाज, समझ गए। पहले लोग तहमत पहनते थे बिल्कुल ढीले, आज के लोग तो जीन्स है, मजबूरी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, समझ गए मेरे यार। तली भुनी चीज़ें सब छोड़ दो, ये चाउमीन बर्गर मोमो समोसे पकौड़ी कोल्ड ड्रिंक चाय बिस्कुट पापे फैन नमकीन मिठाइयाँ होटलों खाने बिरयानी रिफाइंड पराठा और जो भी तली भुनी चीज़ें सारी बंद, ये इससे युवा होगा तुम्हें होटल के खाने लगातार, होटल होटल वाले पागल हैं, बिल्कुल पागल हैं, वो जहर बेचते हैं, समझ रहे हैं, नकली रिफाइंड ये वो सस्ता तेल। अब बेवकूफ़ हो, थोड़ा से पैसे ज़्यादा डाल के असली ले ले करो, चावल ऐसे कम डाल दे करो, तेल खाली तेल से अच्छा नहीं होता है, बिना तेल के मैं खाने बना दूँगा बड़े VIP अकेला खुद, हर चीज़ का यानी चिकन बिना तेल का और चावल राइस उबाल के इतने बिकट लगेंगे, अगर वो टेस्टी ना हो ना, अब्दुल्ला पठान नाम नहीं मेरा, हर एक को पसंद आएगा। सब चीज़ें बिना तेल की बना दूँगा मैं, एक बूंद तेल नहीं, मैं तेल को पता ना क्या समझते हैं, आज तक देसी घी नहीं खाया मैंने, मेरे पास जान नहीं है क्या, थोड़ी तो है, थोड़ी तो है ना, मैंने आज तक देसी घी ना खाया, मैं खाते नहीं देसी घी, देसी घी क्या है, चर्बी, एक तरीके की फैट है ना, कि क्या है, कुछ नहीं है देसी घी, कुछ नहीं मानते हम लोग, हम नहीं खाते देसी घी, लेकिन हम तेल नहीं खाते असली, खाते हैं असली तेल या फिर असली मसाले खाते हैं, नकली चीज़ें नहीं खाते, कोई सी भी नकली चीज़ नहीं खाते हम लोग। मैंने सब बैन कर रखा है, मैदे, मैदा नहीं खाते हम, और वो रिफाइंड घर में नहीं आ सकता, आना भी बैन है, अंदर घुसना भी बैन, अब गेहूं भी बैन करने वाला हूँ जल्दी, कर दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा रह गया है, बिल्कुल बैन कर दूंगा गेहूं, दूसरी मक्का ज्वार और ये सब चलेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक और फसलें हैं ना वो इंशाल्लाह। सही है मेरे यार, अच्छी ये बातें हैं, वीडियो बहुत काम की आपके लिए, उसे फॉलो करो, यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं, वरना इतनी खास जानकारी देता मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग मेरी बात, यानी कि मैं धूप में खड़ा हूँ ना, वो गर्मी है सख्त गर्मी, तो ठंड छोड़ के धूप में आ जाते हैं लोग, सच में कह रहा हूँ, और पूरी भीड़ जमा हो जाएगी, वो हट नहीं सकते चाहे कितनी धूप हो, ऐसी बात है। ठीक है, खुदा हाफिज़, अब एक वीडियो खड़ी।